अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं शॉप पे पहुँच चुका हूँ और मैंने डिस्प्ले लगा लिया है। अब देखते हैं कोई नया मॉडल आया तो आपको उसके बारे में बताते हैं। रात को ये मॉडल आया LG का वेलवेट, आपने सुना होगा इसके बारे में और देखा भी होगा। ये तीन कलर आए हैं हमारे पास, रेड, ब्लैक और वाइट। रेड ब्लैक तो आए हैं, वाइट हमने परचेज किया है। बाकी आपको वाइट कलर भी दिखाएंगे और रेड और ब्लैक भी दिखाएंगे आपको। अभी आपको मैं वाइट कलर दिखाता हूँ, बहुत ही प्यारा कलर है और ये फोन एज में बना हुआ है और बहुत ही आउट क्लास चीज़ है। आप इसको यूज़ करेंगे आपको खुद आइडिया हो जाएगा क्या चीज़ है। बाकी इसका एज बहुत ही प्यारा है और ये सी टाइप जनरेशन में हैंड फ्री जैक के साथ आता है। स्टीरियो इसका स्पीकर है, फ्रंट बेहतरीन कैमरा है और मेरे भाई इसको यूज़ करेंगे तो आपको खुद पता लगेगा। इसका डिस्प्ले बहुत ही आउट क्लास है, बैक ट्रिपल कैमरे और उसी के नीचे लाइट दी गई है। लुक इसकी बहुत ही प्यारी बनेगी है और इसमें अंडर डिस्प्ले आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है और बाकी चलने में जो चीज़ है बहुत ही बेटर है। डिस्प्ले वाइज तो बहुत ही अच्छी है, अगर आप कोई मूवी देखें इसमें तो बहुत ही आउट क्लास चलेगी। बाकी इसकी रैम मेमोरी के बारे में बात की जाए तो 6 128 GB में आपको कहीं से भी अवेलेबल हो सकता है। अगर आप नॉन PTA लेना चाहे तो नॉन PTA मिल जाता है, अगर आप PTA प्रो लेना चाहे तो PTA प्रो भी इजीली मिल जाता है आपको। बाकी इसकी लुक बहुत ही प्यारी बनेगी और ये आता है आपका सिंगल सिम में भी आता है और ड्यूल सिम में भी आता है। चलने में चीज़ बहुत बेहतरीन है, फ्रंट कैमरा भी बहुत अच्छा दिया गया है। उसके बाद इसके बैक कैमरे की बात की जाए तो बहुत ही आउट क्लास है, इसको आप इजीली कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसका फुल डिस्प्ले जब कैमरा आता है बहुत ही अच्छा लगता है, चलने में तो बहुत ही बेटर चीज़ है। मैंने आपको पहले भी LG में कोई फ़ोन नहीं दिखाया, इससे मैंने कहा चलो LG में भी दिखाया जाए आपको। एक और मॉडल हमारे पास आया है LG V60, वो भी आपको दिखाऊंगा अगली वीडियो में। बाकी इसके बारे में बात की तो बहुत ही आउट क्लास चीज़ है। इसके साथ जो चार्जर आता है वो इसके साथ इसको फास्ट करता है और डिस्प्ले की बात की जाए तो आउट क्लास चीज़ है। बाकी इसका डिस्प्ले बहुत ही स्मूथ है, चलने में बहुत ही अच्छे अच्छे फंक्शन है। LG के फ़ोन काफ़ी अच्छे होते हैं लेकिन वन प्लस इनसे काफ़ी आगे में है। चलने में चीज़ अच्छी है। 765 इसमें स्नैपड्रैगन दिया गया है, 765G का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर दिया गया, बहुत ही आउट क्लास चीज़ है। और ये आपका सिंगल सिम या ड्यूल सिम में आता है और इसमें आपको हैंड फ्री जैक देखने को मिलता है। वन प्लस में ज़्यादातर हैंड फ्री जैक नहीं होते, इसमें आपको इजीली देखने को मिल जाता है और ये चीज़ चलने में बहुत ही आउट क्लास है, बहुत ज़्यादा। इसकी बैक शाइन में दी गई है, इसमें रेड जो ब्लू है उनमें भी आपको बैक इसकी शाइन में मिलेगी। इसके फ्रंट में आप अगर जाली वगैरह शीट वगैरह लगवाना चाहे तो लगवा सकते हैं। बाकी इसका एक ग्लास भी आता है जिसको कहा जाता है UV ग्लास, वो इसको कवर कर देता है फुल ब फुल। और इसमें आपको किसी किस्म का ये नहीं है कि आपका फ़ोन गिरने से टूट जाएगा, क्योंकि अगर आप UV ग्लास लगाते हैं तो ये बहुत ही हद तक बर्दाश्त कर लेता है। इसका कैमरा बहुत ही आउट क्लास है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया गया और ये साइज़ में भी काफ़ी बड़ा है और चलने में भी चीज़ अच्छी है। स्पीड के लिहाज से तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि स्नैपड्रैगन प्रोसेसर लगा है। बाकी इसको यूज़ करने के लिए बहुत ही आउट क्लास चीज़ है। एंड्रॉयड में मोबाइल बहुत ही अच्छा है, LG का वेलवेट और बहुत ही आउट क्लास चीज़ है। बाकी आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।